up my appetite. Don't leave me here high and dry. टैंबोरिन पर्वत ब्रिस्बेन से केवल एक घंटे की ड्राइव है तथा गोल्ड कोस्ट से मात्र आधा घंटे की ड्राइव है। यह आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उद्यानों और वर्षावनों से भरपूर है। यह क्वींसलैंड में सबसे उपजाऊ भूमि में से कुछ का घर है। टैंबोरिन माउंटेन समुद्र तल से 550 मीटर ऊपर है, इसलिए एक स्पष्ट सुबह में ट्वीड हेड से मोरेटन बे तक के दृश्य देखे जा सकते हैं। टैंबोरिन माउंटेन पर देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। आप चाहें तो ब्रिस्बेन या गोल्ड कोस्ट से डे टूर कर सकते हैं या एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ प्रकृति का आनंद के साथ आवास की विविधता अंतहीन है। शांत पर्वत मोटल, सुरुचिपूर्ण रिसॉर्ट्स, एकांत वर्षावन रिट्रीट, शानदार बिस्तर और नाश्ते की एक श्रृंखला और रोमांटिक कॉटेज, अक्सर स्पा स्नान, लॉग फायर और लुभावने दृश्य आपको आराम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। टैंबोरिन रेन फॉरेस्ट स्काईवॉक यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यह एक शानदार एलिवेटेड वॉकवे है जो एक स्थिर उच्च तकनीक वाली स्टील संरचना है जो पर्यटकों को सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से इन कैनोपी का पता लगाने में सक्षम बनाती है। यह 40 मीटर लंबा स्पैन है जो घाटी से 30 मीटर ऊपर होता है। नीचे खाड़ी और वर्षावन छतरियों के शानदार दृश्यों के साथ अंत में वॉक रेन फॉरेस्ट फ्लोर के साथ केंद्र की ओर लौटता है। जो लोग कैनोपी वॉक पर जाते हैं उनके लिए रेन फॉरेस्ट इको गैलरी में साहसिक कार्य शुरू होता है, जिसमें वर्षावन के जीवों और वनस्पतियों की व्यापक जानकारी और प्रदर्शन होते हैं। पहुंचने तक रॉक पूल और झरने, एक तितली लुकआउट, स्थानीय इतिहास संलग्न और आश्रय वाले बाकी क्षेत्रों सहित रुचि के बिंदुओं का पालन करता है। अगला आकर्षण ग्लोबॉर्म केव्स है जो सीडर क्रीक एस्टेट में है। यह गुफा जुगनू के कीड़ों की स्थानीय प्रजातियों अराक्नोकाम्पा फ्लवा की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ग्लोबॉर्म जुगनू प्रजाति का कीड़ा है, परंतु यह भारत में पाए जाने वाले जुगनू से भिन्न होते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यह लार्वा स्टेज में चमकते हैं। लार्वा चरण उनके जीवन चक्र का एकमात्र चरण है जो चमक सकता है। वयस्क नाजुक मक्खियां होती हैं जिनके मुखांग काम नहीं करते हैं और इस तरह केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रहती है। मादा 2 दिन, नर 6 दिन। चूंकि वयस्क भोजन करने में असमर्थ होते हैं, जुगनू के कीड़ों को लार्वा चरण के दौरान अपने शेष जीवन चक्र के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जीविका प्राप्त करनी चाहिए।
माना जाता है कि लार्वा लगभग एक वर्ष तक जीवित रहते हैं, हालांकि यह पर्यावरण की स्थिति और भोजन की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर है। यह अंधेरे गीले वातावरण में रहते हैं, गुफाओं में उन्हें पा सकते हैं, हालांकि क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में उनके पास रहने के लिए कोई गुफा नहीं है, इसलिए स्थानीय प्रजातियां अरचनोकंपा फ्लेवा आमतौर पर झरनों के बगल में पाई जाती हैं। सीडर क्रीक एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां आप इन्हें देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना स्लॉट पहले से बुक करवाना पड़ता है। आपको ग्रुप 10 से 15 लोगों का बनाकर एक गाइड द्वारा गुफा में ले जाया जाता है। गुफा में आपको ग्लोवर्म्स पर एक संक्षिप्त वृत्तचित्र दिखाया जाएगा। फिल्म के बाद आपका गाइड आपको हजारों चमकदार ग्लोवर्म से भरी गुफा में ले जाएगा। यहाँ हर किसी को एक ग्लोवर्म को करीब से देखने का मौका मिलता है। ग्लोवर्म्स के आसपास फोटोग्राफी, कृत्रिम प्रकाश और हल्के फुल्के जूतों की अनुमति नहीं है। यह उनके चमकदार व्यवहार को बाधित करने से बचने के लिए है। यह टूर 15 मिनट का है। इसके बाद एक म्यूजियम में ले जाते हैं जहाँ दुर्लभ प्रजाति के मेंढक अर्थात फ्रॉग तथा स्थानीय बग्स एंड कीड़ों को रखा गया है। सीडर क्रीक एस्टेट में एक माउंट एम्बोरिन रेस्टोरेंट है जो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है, जहां आप गजेबो बरामदा या डेक में रेस्तरा से माउंट एम्बोरिन के दृश्यों के साथ रमणीय उद्यान सेटिंग्स का आनंद ले सकते हैं। एस्टेट में एक विनयार्ड और वाइनरी भी है जहां आप घूम सकते हैं और वाइन चख भी सकते हैं। टैम्बोरिन माउंटेन का अगला आकर्षण है गैलरी वॉक, जो पहाड़ के बीचों बीच उपहारों, कपड़ों, प्राचीन वस्तुओं की दुकानों की जगह है। यह सड़क के दोनों ओर बनी हुई है। यहां आप बियर या लोकल वाइन के साथ भोजन कर सकते हैं। Me wind and rain.
टैम्बोरिन माउंटेन का अगला आकर्षण है टैम्बोरिन नेशनल पार्क। यहाँ कई वॉकवे और विशेष उद्यानों के साथ कई चिंतनशील स्थलों के साथ इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, जहाँ आप आराम कर सकते हैं। यहाँ पर थंडरबर्ड पार्क है, जहाँ विभिन्न एक्टिविटीज कर सकते हैं। टैम्बोरिन नेशनल पार्क में घूमते हुए कर्टिस फॉल्स की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। फॉल्स का पहला दृश्य आपकी सांसें रोक देगा। यहाँ पर कछुओं को देखें और रॉक पूल में मछलियों और ईल को देखें। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप स्थानीय प्लैटिपस देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।